Hello everyone. So in the last class, we have discussed three kinds of statistics, the Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein and the Fermi-Dirac statistics. Okay? And we saw that when we have to distribute some particles within the cells, then how we can distribute those particles using Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein and Fermi-Dirac statistics. Now today we'll start with the basic approach in three statistics or the common approach in three statistics. We know that we have three kinds of statistics: MB, Maxwell-Boltzmann, BE, Bose-Einstein, FD, Fermi-Dirac statistics. But in three statistics mein jo hai, we'll be using the same approach. The basic approach in the three kinds of statistics will be the same. वो हम देखेंगे कि जो हम कॉमन अप्रोच यूज करेंगे तीनों स्टैटिस्टिक्स में, वो कॉमन अप्रोच हम कौन सी यूज करेंगे. देखो, एक चीज तो डिफरेंट है तीनों में. मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में पार्टिकल्स जो है दे विल बी डिस्टिंग्विशेबल. बोज़-आइंस्टीन में पार्टिकल्स विल बी इनडिस्टिंग्विशेबल, बट एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एनी नंबर ऑफ बोसॉन्स कैन ऑक्यूपाई अ सेल. ठीक है, एक सेल में कितने भी बोसॉन्स जो है वो ऑक्यूपाई हो सकते हैं. Next we have Fermi-Dirac. ठीक है, in Fermi-Dirac statistics also the particles are indistinguishable. ठीक है, लेकिन in Fermi-Dirac statistics there has to be only one particle in a single cell. ठीक है, तो ये जो है already हमें पता है about the nature of the particles. अब हम देखेंगे अगर हम सेम अप्रोच अप्लाई करते हैं सिस्टम के अंदर, स्टिल हमारा जो रिजल्ट है वो डिफरेंट होगा थ्री काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स के लिए. क्यों? बिकॉज जो हमारे पार्टिकल्स हैं तीनों काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में, वो पार्टिकल्स जो है हमारे दे आर बिहेविंग डिफरेंटली. उनका जो नेचर है पार्टिकल्स का वो डिफरेंट है. सो इधर वी आर, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द सेम अप्रोच we'll get the different results for the three kinds of statistics since the nature of particles are different. ठीक है, यही चीज इस पैराग्राफ में लिखी है. ड्यू टू डिफरेंट assumption, क्या डिफरेंट है रिगार्डिंग द नेचर ऑफ पार्टिकल्स. अगर हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन बोलते हैं देन पार्टिकल्स विल बी डिस्टिंग्विशेबल. बोज आइंस्टीन एंड फर्मी डिराक बोलते हैं देन पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल. और रिस्ट्रिक्शन भी इम्पोज्ड है नंबर ऑफ पार्टिकल्स में टू बी अकोमोडेटेड इन अ सेल. Bose-Einstein है तो no restriction, any number of particles can be accommodated in a cell. पर अगर Fermi-Dirac statistics है, then restriction है particles पे. A single particle can be accommodated in a cell. ठीक है? So in spite of using the same approach, the different results will be obtained. So अब हम देखेंगे कि वो जो same approach या common approach जो हम use करेंगे three types of statistics में, वो क्या होगी. फर्स्ट अप्रोच जो कॉमन होगी वो क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम. इसका मतलब क्या है, हमें पता है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में वी आर डीलिंग विद अ सिस्टम व्हिच इज कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड द सिस्टम इज अ डायनेमिक सिस्टम. अगर सिस्टम डायनेमिक है दैट मीन्स दीज पार्टिकल्स आर मूविंग रेंडमली एंड वी आर मूविंग रेंडम these particles they are moving randomly in all possible directions and colliding with each other and also with the walls of the container. ठीक है, so this is about a dynamic system consisting of a large number of particles. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, there will be a large number of macrostates. पर हमें एक चीज और पता है about the equilibrium state of a system. अगर हमारा डायनेमिक सिस्टम जो है विच इज कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर वो इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सी मैक्रो स्टेट होगी, द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट. और मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट जो है उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उनकी जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है कैपिटल डब्ल्यू वो भी मैक्सिमम होती है. तो द फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ सिस्टम. एंड वी नो दैट फॉर अ डायनेमिक सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट्स. बट when the system is in equilibrium then we can say that the system is assumed to exist only in the most probable macro state.
सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है, सिस्टम जो है वो सिर्फ मैक्रो स्टेट, मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट में प्रेजेंट है, मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट में एग्जिस्ट करता है. एंड वी नो फॉर द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट or for any macro state to represent the most probable macro state of the system, the thermodynamic probability or W must be maximum. ठीक है, इस property का हम use करेंगे to find the equilibrium state of a system. ये तुम लोगों को already पता है. ठीक है, तो how to find W? देखो हमें ये चीज पता है, अगर हमारे पास देखो, अगर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है या बोज आइंस्टीन है या फॉर्मी डिराक है, सबसे पहले हम W निकालेंगे, द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी. फिर उसके बाद हमें निकालना है कि इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ सिस्टम, दैट मींस वी हैव टू फाइंड दैट मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट और वी हैव टू फाइंड दैट मैक्रो स्टेट व्हिच इज आल्सो नोन एज द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट वेयर द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम. एंड वी नो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू जीरो. पर यहाँ पर हम डी डब्ल्यू को इक्वल टू जीरो पुट नहीं करेंगे. ठीक है, यहाँ पर हम कहते हैं W जो है वो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है विच इज टू बी मैक्सिमम for the system to exist in the most probable macro state. And we know for maxima or minima, first derivative jo hai, that should be equal to zero. That means differentiation of thermodynamic probability should be equal to zero. But hum ye yahan par nahi karenge. Hum kya karenge? Hum pehle W ka log lenge. Theek hai? Hum pehle W ka log lenge, fir usko differentiate karenge. And then we substitute it to be equal to zero. हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो डायनेमिक सिस्टम है इट इज कंसिस्टिंग ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट में हम कह रहे हैं सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मींस ऑल ऑफ द पार्टिकल्स जो है दे आर लाइंग इन द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट. ठीक है, अब इस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट में वील हैव डिफरेंट नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स दैट विल रिप्रेजेंट थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी. थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन अ पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट. इसका मतलब क्या है, ये जो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट है इसमें जो हमारा W है दैट विल बी अ वेरी लार्ज नंबर, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा होगी. तो हम इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने की बजाय पहले हम इसका लॉग लेते हैं, फिर हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं और सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वल टू जीरो. Since for most probable state W is maximum and we know for maxima or minima first derivative should be equal to zero. Now here question is कि हमने W की जगह log W क्यों लिया है? हम कह रहे हैं W जो है वो बहुत ज्यादा है इसीलिए हम log W ले रहे हैं. क्यों? क्योंकि देखो जब हमारे पास equations आएंगी ना सॉल्व करने के लिए, W जो है इन जनरल हमारा जो है फैक्टोरियल में होता है. सबसे पहले जब हमने W निकाला था फर्स्ट यूनिट में वो हमारा NCR आया था एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट का, दैट मींस n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल. यहाँ पर n जो है हमारा बहुत ज्यादा है. ठीक है, इस पर्टिकुलर अब जो हम नॉर्मल केसेस स्टडी कर रहे हैं सिस्टम के वहां पे n बहुत ज्यादा है तो n फैक्टोरियल को सॉल्व करना जो है मुश्किल है. सो उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा बाय अप्लाइंग द स्टर्लिंग्स अप्रोक्सीमेशन. स्टर्लिंग्स अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है, log n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n log n माइनस n. मतलब n फैक्टोरियल की वैल्यू सॉल्व करने के लिए हमें पहले उसका लॉग लेना पड़ेगा. इसीलिए हमें ये चीज पता है कि आगे ये कॉम्प्लिकेशंस आएंगी टू सॉल्व द फैक्टोरियल of a number which is very large. तो इसलिए जो है instead of writing dw is equal to zero, first we'll take the log of w and then we'll differentiate it and substitute equal to zero. So this is the first equation that is common for all the three kinds of statistics. क्योंकि हमें पता है तीनों ही statistics में हम जो system consider कर रहे हैं उसका most probable macro state study करना पड़ेगा और the equilibrium state और उस state के लिए thermodynamic probability जो है that should be maximum. So d log w should be equal to zero. So remember this equation always. Next, what we'll consider, जो हमारे number of particles हैं in the system that will remain constant. Next, we'll consider the total energy of the system should also remain constant. ठीक है, इस चीज के बारे में मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ.
what we are considering that total number of particles will remain constant and total energy of the system will remain constant. So let's say हमें n particles जो है वो distribute करने हैं in the different energy levels. इस तरीके से distribute करने हैं कि जो total है वो constant रहे equal to n. Similarly, जो energy जो है that should also remain constant, the total energy. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं विच इज कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेट इट बी एन. ठीक है, सो वी आर कंसीडरिंग अ डायनामिक सिस्टम कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स लेट इट बी इक्वल टू एन. ठीक है, एंड दीज मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स जो है दे आर ऑक्यूपाइंग द वॉल्यूम लेट से वी. नाउ सिस्टम जो है इट इज डायनामिक, so all the molecules they are in random motion colliding with each other and with the walls of the container. Now what we'll do, now we'll divide the total energy into different intervals. theek hai, total energy ko hum divide karenge in different energy intervals. theek hai, the first energy level, the second energy level, the third energy level, fourth energy level, so on up to k. to humne टोटल एनर्जी जो है उसको डिवाइड कर दिया इनटू के इंटरवल्स ऑफ मैग्नीट्यूड. लेट्स से जो फर्स्ट इंटरवल है हमारा, इसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनकी एवरेज एनर्जी होगी यू वन. व्हाई आई एम सेइंग एवरेज एनर्जी, ठीक है, यहाँ पर इफ आई विल बी हैविंग क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स, तो इस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल जो है इसकी एवरेज एनर्जी है यू वन. इस एवरेज के बारे में मैं बाद में बताऊंगी, अभी इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. लेट्स से हमारे पास सेकंड एनर्जी लेवल है, उसकी एनर्जी है U2. थर्ड एनर्जी लेवल है, उसकी एनर्जी है U3. ठीक है, सो ऑन kth एनर्जी लेवल पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनकी एवरेज एनर्जी होगी UK. ठीक है, सच दैट ये जो टोटल एनर्जी है हमारी दिस विल रिमेन कॉन्स्टेंट. ये हमारा सिस्टम है. एंड लेट्स से जो हमारा फर्स्ट एनर्जी लेवल है इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो n1 है. सेकंड एनर्जी लेवल पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो n2 है. थर्ड एनर्जी लेवल पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो n3 है. सिमिलरली सो ऑन kth एनर्जी लेवल पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो हमारे nk है. ठीक है, तो लेट्स से ये जो n1 particles in first energy level, n2 particles in second energy level, n3 particles in third energy level, so on, nk particles in kth energy level जो है ये हमारा represent कर रहा है most probable macro state or the equilibrium state of the system. ठीक है, so what is our system, दोबारा बता देती हूँ. we are considering a system consisting of n number of particles. ठीक है, and the system is dynamic system and the total energy of the system is u. now we have divided this total energy into different energy levels. ठीक है, not from 0 to uk, it is from 1 to uk. ठीक है, into large number of k intervals numbered as 1 2 3 so on up to k. ठीक है, फर्स्ट एनर्जी लेवल पे जो पार्टिकल की एनर्जी है दैट विल बी यू वन, सेकंड में यू टू, kth में uk. ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है, लेट्स से n1 n2 n3 अप टू nk रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द एनर्जी लेवल्स 1 2 3 ik रिस्पेक्टिवली व्हिच इज द मोस्ट प्रोबेबल और द इक्विलिब्रियम स्टेट. ठीक है, एंड लेट्स से ये जो हमारे एनर्जी इंटरवल्स है इनमें जो एनर्जीज है पार्टिकल्स की वो कितनी होंगी, u1 u2 u3 अप टू uk रिस्पेक्टिवली. ठीक है, नाउ सिंस पार्टिकल और ये हमारा जो u1 है इट कैन बी जीरो, इट कैन बी एनीथिंग. ठीक है, हमें नहीं पता एनर्जी जो है उसकी वैल्यू कितनी है, पर हमें इतना पता है हायर एनर्जी लेवल जो है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी कम होगी. ठीक है, तो हम कह सकते हैं दैट वी हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इन विच डिफरेंट पार्टिकल्स आर रिसाइडिंग एंड दीज पार्टिकल्स जो हैं दे कैन हैव एनी एनर्जी. लेट्स से U1 इज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स रिसाइडिंग इन द फर्स्ट इंटरवल, U2 इज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स रिसाइडिंग इन द सेकंड एनर्जी इंटरवल एंड सो ऑन, UK इज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स रिसाइडिंग इन द kth एनर्जी लेवल. ठीक है, so now we are saying that total number of particles jo hai that should remain constant. theek hai, to iska matlab n1
plus n2 plus n3 so on up to nk should be equal to n. हम n particles को distribute कर रहे हैं in these different energy levels or energy intervals such that total number of particles should remain constant. n is equal to n1 plus n2 plus n3 so on up to nk. इसको we can write as summation ni where I is going from 1 to k and this total number of particles जो है it is कांस्टेंट. अब यहाँ पे इस चीज को करेक्ट कर लो, यहाँ पे जीरो भी लिख सकते हो और यू कैन राइट दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एनर्जी इंटरवल्स फ्रॉम यू वन टू के. हम वन नहीं लिखेंगे, हम यू वन लिखेंगे, फ्रॉम यू वन टू यू के. ठीक है, हमने डिफरेंट एनर्जी लेवल्स जो है उसमें डिवाइड किया टोटल एनर्जी को. फर्स्ट एनर्जी लेवल पे एनर्जी यू वन है, दैट कैन बी जीरो और कैन बी एनी अदर वैल्यू. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन भी कांस्टेंट होगा. ठीक है, सो एन इज इक्वल टू समेशन एन आई, सो डी एन इज इक्वल टू समेशन डी एन आई, दैट इज इक्वल टू जीरो. तो एक इस इक्वेशन को याद रखना है, एक तो इस इक्वेशन को याद रखना है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, एक इस इक्वेशन को याद करना है समेशन डी एन आई इक्वल टू जीरो. ठीक है, नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट है. नेक्स्ट क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम शुड रिमेन कांस्टेंट. यू वन जो है एनर्जी है पार्टिकल की फर्स्ट एनर्जी लेवल पे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं फर्स्ट एनर्जी लेवल पे, एन वन. तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई पार्टिकल्स की दैट आर रिजाइडिंग इन द फर्स्ट एनर्जी लेवल, एन वन इंटू यू वन. टोटल एनर्जी क्या हो गई पार्टिकल्स की दैट आर रिजाइडिंग इन द सेकेंड एनर्जी लेवल, एन टू इंटू यू टू. सो सम करके जो है दैट विल बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड दैट शुड रिमेन कॉन्स्टेंट. यू इज इक्वल टू एन वन यू वन प्लस एन टू यू टू सो ऑन अप टू एन के UK. ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर इन यूनिट वन. तो अगर टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट है इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन भी जीरो होगा. ठीक है, तो U को हम लिख सकते हैं एज समेशन एन आई यू आई आई गोइंग फ्रॉम वन टू के. ठीक है, सिंस U इज कांस्टेंट सो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा. Because we know differentiation of a constant quantity is always zero. So du is equal to d summation ni ui. We can take summation outside and differentiation inside. So it will become summation dni ui equal to zero where I is going from 1 to k. ठीक है, सो डी जो है हमारा दैट इज रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंशियल ऑपरेटर. अब यहाँ पर देखो डिफरेंशिएशन जो है हम एन आई यू आई का कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन इसमें यू आई जो है वो हमारा कांस्टेंट होगा, व्हाट इज वेरिंग इज एन आई. तो डिफरेंशिएशन जो है वो एन आई के ऊपर होगा डी एन आई. यू आई हमारा कांस्टेंट क्यों है, जो हमारी एनर्जी है फर्स्ट एनर्जी लेवल पे वो हमने कांस्टेंट रखी है एट यू वन, सेकेंड एनर्जी लेवल पे वो एट यू टू है, थर्ड पे यू थ्री है एंड के पर यू के है. जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है हमारे वो चेंज हो रहे हैं. क्यों चेंज हो रहे हैं, बिकॉज पार्टिकल्स जो है दे आर इन रैंडम मोशन. ठीक है, पार्टिकल्स जो है वो स्टैटिक नहीं है, दे आर इन मोशन. तो पार्टिकल्स जो है कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, डायनेमिक सिस्टम है. दैट मीन्स पार्टिकल्स जो है दे आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग देयर मैक्रो एंड माइक्रो स्टेट्स. पार्टिकल्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे जो है उनके नंबर्स चेंज हो रहे हैं. ठीक है, एन वन एन टू एन थ्री अप टू एन के जो है दीज आर नॉट कॉन्स्टेंट. सपोज इनिशियली एन वन जो है फोर है, एन टू हमारा फाइव है, फिर इमीडिएटली चेंज हो जाएगी एन वन और एन टू की वैल्यूज. सिंस पार्टिकल्स जो है दे आर इन मोशन एंड द सिस्टम इज डायनेमिक सिस्टम एंड वी नो दैट फॉर अ डायनेमिक सिस्टम द पार्टिकल्स जो है दे आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग देयर मैक्रो एंड माइक्रो स्टेट्स. सो एन आई इज नॉट कॉन्स्टेंट, सो वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ni only and ui is a constant, so we get du is equal to summation dni ui equal to zero. Ek is equation ko yaad rakhna hai. So now we have three equations that will remain common for all the three kinds of statistics. The one is differentiation of log w is equal to zero. Second is summation dni equal to zero, since the total number of particles remain constant. n कांस्टेंट रहेगा, n1, n2, n3, n4, nk जो है वो चेंज हो सकते हैं. ठीक है, मैक्रो स्टेट्स एंड माइक्रो स्टेट्स जो है दे आर कंटीन्यूअसली चेंजिंग. नेक्स्ट
summation dni ui jo hai that will be equal to zero since total energy of the system du that will total energy of the system u will remain constant so du will be equal to zero. Now what we'll do now, we'll apply Lagrange's method of undetermined multipliers. Lagrange's method of undetermined multipliers ye kya hota hai, ye hota hai dekho zero ke sath agar main kisi constant ko multiply karu to hamari jo हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिस्टम जो है इट विल रिमेन अनचेंज बिकॉज जीरो इनटू एनी क्वांटिटी इज ऑलवेज जीरो. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास तीन इक्वेशंस थी. पहली इक्वेशन हमने लिखी डी लॉग डब्ल्यू माइनस अल्फा डी एन माइनस बीटा डी यू इक्वल टू जीरो. ये जो हमारी इक्वेशन है दिस कम्स फ्रॉम द लैग्रांजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स. इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास तीन इक्वेशन है. ये जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद माइनस अल्फा. जीरो है, जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा. फिर ये जो इक्वेशन है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद माइनस बीटा. फिर इन तीनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे, डी लॉग डब्ल्यू माइनस अल्फा डी एन माइनस बीटा डी यू इक्वल टू जीरो. ठीक है, इसमें हम इसको माइनस अल्फा माइनस बीटा से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस अल्फा और प्लस बीटा से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, ये जो अल्फा और बीटा है हमारे दीज आर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, इसकी हमें वैल्यू नहीं पता, इसीलिए इस अप्रोच को हम बोलते हैं लैग्रांजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स. और ये इक्वेशन वैलिड क्यों है, देखो डी एन हमारा जीरो है, इसके साथ हमने किसी चीज को मल्टीप्लाई करा तो भी जीरो है. DU हमारा जीरो है, इसके साथ हम किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे इसको फिर भी ये जीरो रहेगा. D log W भी हमारा जीरो है. सो दिस इज बेसिकली जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो. तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो क्या होगा, हमारा जीरो. सो दिस इक्वेशन इज वैलिड. नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ DN एंड DU. DN हमारा क्या था, समेशन DNi. DU हमारा क्या था, समेशन DNi UI. इस इक्वेशन को आई कैन री राइट एज डी लॉग डब्ल्यू एज इट इज माइनस आई कैन टेक समेशन कॉमन फ्रॉम बोथ दीज टू फैक्टर्स. समेशन हमारा कॉमन आ गया, सो इन ब्रैकेट्स वी हैव अल्फा प्लस बीटा यू आई इंटू डी एन आई इक्वल टू जीरो. ठीक है, सो दिस इज आवर इक्वेशन दैट विल बी द बेसिक इक्वेशन दैट वील यूज इन ऑल द थ्री काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, तो बेसिक अप्रोच क्या है, कॉमन अप्रोच क्या है, दिस इक्वेशन. सो इक्वेशन 2.45 इज सॉल्व टू ऑब्टेन द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर अ गिवन काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स. दिस इज द बेसिक इक्वेशन विच विल बी यूज्ड इन ऑल द थ्री काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. और हम बाद में देखेंगे ये जो हमारा बीटा है ना, दिस इज नथिंग बट वन अपॉन के टी विच इज नोन एज द बीटा पैरामीटर. ये हम बाद में देखेंगे. दिस इज वन अपॉन के टी फॉर ऑल द थ्री काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स वेयर के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर. ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे. तो अब हम क्या करेंगे, हमने कॉमन अप्रोच देख ली तीनों काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स के लिए. अब हम तीनों काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स. ये जो हमारी तीनों स्टैटिस्टिक्स है, अब इनके लिए वी हैव टू फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. How to distribute the number of particles in the different energy levels or the different energy intervals. ठीक है, तो जैसे हमारे पास different different boxes थे ना, ऐसे अब हम जिसमें हम, या तुम ये कह लो, हम ये कहते थे first unit में हमारे पास एक box है, उसको हमने divide कर दिया into large number of compartments. अब हम particles जो है उनको distribute कर रहे हैं in these different compartments. अब यहाँ पर वो जो हमारे कंपार्टमेंट्स हैं वो हमारे क्या होगा, एनर्जी लेवल्स. नाउ वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द पार्टिकल्स इन द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स. ठीक है, सो अब हमें ये देखना है कि हाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट दीज पार्टिकल्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स. सो वी हैव टू फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर ऑल द थ्री काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. सो नाउ वी विल प्रोसीड वन बाय वन. सबसे पहले हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है उसको डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 2.45. ठीक है, और उस लॉ को हम क्या कहते हैं, द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट 2.
द डेरिवेशन ऑफ बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. ठीक है, लाइक हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द पार्टिकल्स इन द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स. सो फॉर दिस वी यूज दिस कॉमन अप्रोच. तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें W पता होना चाहिए. अगर हमें W पता है तो हम log W निकालेंगे, फिर उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को हम पुट करेंगे इक्वल टू जीरो, फिर हम इस इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो सबसे पहले हम सिस्टम क्या ले रहे हैं, सेम अप्रोच है. वी आर कंसीडरिंग अ डायनेमिक सिस्टम विच इज कंटेनिंग n मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाइंग वॉल्यूम V. सिंस सिस्टम जो है वो डायनेमिक है, सो ऑल द मॉलिक्यूल्स जो है दे विल बी इन रैंडम मोशन कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. सो वी कैन से दैट सिस्टम जो है हमारी, उसके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, दे आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग देयर मैक्रो एंड माइक्रो states. This we know about a dynamic system. ठीक है, we know that system is said to be dynamic if the constituent particles of the system can move so that the system goes from one macro state or from one micro state to the another. So we can say that the particles of the dynamic system can change their positions from one energy interval to the another energy interval. ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, we'll consider that total number of particles will be constant and total energy of the system will be constant. Let's say the total energy is small u and the total number of molecules or particles is small n. So we are first we'll be considering a macro state. हम कौन सी macro states consider कर रहे हैं, let's say we are considering a macro state in which हमने जो energy है उसको divide कर दिया into k intervals. ठीक है, 1 टू k intervals में divide किया, जिसमें जो first interval है उसमें जो particles reside करेंगे उसकी energy u1 होगी, second में u2 होगी, third में u3 होगी, k में uk होगी. And let's say first interval में जो number of particles है हमारे वो n1 है, second में n2 है, third में n3 है, and k में हमारे nk number of particles या nk number of molecules present है. तो let's say this distribution या this particular macro state जहाँ n1 particles first में है, n2 second में है, nk second में है, हम इस particular macro state को consider करेंगे. ठीक है, which are lying in the different energy intervals. n1 particles या n1 molecules in first energy level, N2 molecules in second energy level, NK molecules in kth energy level, and energies are U1, energy is the energy of the particle in the first interval, the first energy interval, UK jo hai, it is representing the average energy of the particles residing in the second energy interval, UK is the energy of the particle residing in the kth energy level. तो हम कौन सी मैक्रो स्टेट कंसीडर कर रहे हैं, वी आर कंसीडरिंग दिस मैक्रो स्टेट. ठीक है, जहां फर्स्ट एनर्जी इंटरवल में n1 है, सेकंड में n2 है, एंड kth में nk पार्टिकल्स हैं. अब हमें इस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट की थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी निकालनी है. अब अगर तुम लोगों को याद होगा, हमने एक डेरिवेशन किया था जर्नल एक्सप्रेशन फॉर प्रोबेबिलिटी. ठीक है, मैं यहाँ पर तुम लोगों को वो दिखा भी देती हूँ, हम उसका यहाँ पर यूज करेंगे. जर्नल एक्सप्रेशन हमने जो डिराइव करी थी प्रोबेबिलिटी की, उसमें हमने कौन सा सिस्टम लिया था, उसमें हमने यही सिस्टम लिया था. जो हमारी मैक्रो स्टेट थी वो क्या थी, कि n1 पार्टिकल्स जो है हमारे वो फर्स्ट कंपार्टमेंट में है, n2 जो है सेकंड में, nk जो है वो kth में. हमने ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन जो है कंसिडर किया था, और इस मैक्रो स्टेट के रिस्पेक्ट में हमने थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी निकाली थी. मतलब हमने क्या निकाला था, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज पार्टिकल्स इन दिस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट. ये हमारी पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट है, इस मैक्रो स्टेट में कितने नंबर ऑफ वेज हैं हमारे, या कितनी पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स हैं इस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट में. मतलब कितने पॉसिबल वेज हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन पार्टिकल्स सच दैट एन वन पार्टिकल्स फॉल इन दिस कंपार्टमेंट वन, एन टू इन कंपार्टमेंट टू, एन के
इन कंपार्टमेंट के. अब यहाँ पे कंपार्टमेंट की जगह हमारे पास क्या हो गया, एनर्जी लेवल्स. ठीक है, तो ये W अब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन पार्टिकल्स या एन मॉलिक्यूल्स सच दैट N1 मॉलिक्यूल्स फॉल इन द एनर्जी इंटरवल 1, N2 पार्टिकल्स इन द एनर्जी इंटरवल 2, NK पार्टिकल्स इन द एनर्जी इंटरवल N, इन द एनर्जी इंटरवल K. तो ये हमारा कितना आया था, N फैक्टोरियल अपॉन पाई N I, वेयर I गोइंग फ्रॉम 1 टू K. सो हेयर ऑल्सो वी कैन यूज द सेम एक्सप्रेशन. एग्जाम में जब इसका डेरिवेशन आता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का, देन यू डोंट नीड टू कैलकुलेट और डिराइव द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, यू कैन डायरेक्टली यूज दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, सो इट इज नोन टू अस दैट थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट इज गिवन बाय दिस. सो नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, टू टेक द लॉग. ठीक है, ये लॉग जो है हमारा नेचुरल लॉग है. ठीक है, तो इसका हम लॉग लेंगे, तो एल एन डब्ल्यू विल बी इक्वल टू, इसका अब हमें लॉग लेना है. लॉग ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी. तो ए हमारा क्या है, एन फैक्टोरियल, बी हमारा क्या है, पाई एन आई. तो ये हमारा क्या हो गया लॉग लेने के बाद, लॉग एन फैक्टोरियल माइनस लॉग ऑफ पाई एन आई, ये हमारा हो जाएगा log a upon b. क्या होता है हमारा, log a minus log b, ये हमारा है log a minus, ये हो गया log b. अब इस log b को जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको करेक्ट कर लेना, या माइनस आएगा. इस डेरिवेशन में बहुत गलतियां इस बुक में, मैं जो जो करेक्शंस बताऊंगी अपनी बुक में मार्क कर लेना. तो ये क्या आया माइनस. अब ये क्या है हमारे पास, ये देखो अगर हम इसको खोल देंगे तो ये क्या है, log of bracket में क्या आया, n1 into n2 into n3 up to nk. तो ये हो गया log a into b into c into d and so on. And we know log a into b क्या होता है, log a plus log b. ठीक है, तो ये हमारा फैक्टर क्या है, log bracket में n1 into n2 into n3 so on into nk. इसका मतलब ये हमारा क्या है, log n1 प्लस लॉग एन टू प्लस लॉग एन थ्री प्लस लॉग एन फोर सो ऑन अप टू लॉग एन के. तो लॉग एन वन प्लस लॉग एन टू प्लस लॉग एन थ्री सो ऑन अप टू लॉग एन के को मैं कैसे लिख सकती हूँ, समेशन लॉग एन आई आई गोइंग फ्रॉम वन टू के. सो दिस कैन बी रिटर्न इन दिस फॉर्म, समेशन लॉग एन आई फैक्टोरी. ओहो इसको ठीक करो बेटा, यहाँ पर हमारे पास फैक्टोरियल है. ठीक है, जो हमने जर्नल एक्सप्रेशन निकाली थी प्रोबेबिलिटी की, वो हमारी क्या थी, जर्नल एक्सप्रेशन वो थी एन आई अपॉन पाई एन आई फैक्टोरियल. ठीक है, मैं एक बार दोबारा दिखा देती हूँ तुम्हें वो जर्नल एक्सप्रेशन, वहां पे भी इन्होंने गलती कर रखी है. ये देखो यहाँ n1 factorial, n2 factorial, so on up to nk factorial है ना, तो यहाँ है ni factorial. देखो बाद में जब हमने इसको substitute किया था, हमने ni factorial लिया था. ठीक है, इस बुक में बहुत गलतियां हैं तो इनको ध्यान रखना. यहाँ पे हमारा w क्या है, n factorial upon pi ni factorial. ठीक है, तो इसका जब हम log लेंगे तो क्या होगा, log n factorial minus log pi ni factorial. ठीक है, तो अब हम पाई एन आई फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, आई गोइंग फ्रॉम 1 टू के, n1 फैक्टोरियल इनटू nk फैक्टोरियल इनटू n3 फैक्टोरियल सो ऑन अप टू nk फैक्टोरियल. दैट मींस वी कैन राइट इट एज लॉग n1 फैक्टोरियल प्लस लॉग n2 फैक्टोरियल प्लस लॉग n3 फैक्टोरियल सो ऑन अप टू प्लस लॉग nk फैक्टोरियल. सो दैट कैन बी रिटन एज समेशन लॉग एन आई आई गोइंग फ्रॉम 1 टू के. इसको खुद से सॉल्व करके देखना, जो मैं बोल रही हूँ ना उसको लिख के देखना और खुद से सॉल्व करके देखना. दिस कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, समेशन लॉग एन आई फैक्टोरियल आई गोइंग फ्रॉम 1 टू के. ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास लॉग है, एन फैक्टोरियल्स हैं विच आर वेरी लार्ज इन नंबर्स. टू सॉल्व दीज फैक्टोरियल्स वी हैव टू अप्लाई द स्टर्लिंग्स अप्रोक्सीमेशन विच सेज दैट log of n factorial is n log n minus n. इसको करेक्ट करो, यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं आएगा. दिस इज सिंपली
log n factorial is equal to n log n minus n. So substitute this approximation here. So we'll get log w. Log n factorial ko I can write as n log n minus n. Then I have minus summation. Log ni factorial ko main kaise likh sakti hu? Log ab ni ko ni factorial se replace kar do. Log ni factorial ho gaya ni log ni minus ni. ठीक है, एन आई लॉग एन आई माइनस एन आई, इन दोनों टर्म्स को हमने अलग अलग लिख दिया तो समेशन जो है हमारा दो बार आ गया. ठीक है, क्योंकि दोनों टर्म्स एडिटिव हैं. ध्यान से फिर से सुनो, लॉग एन आई फैक्टोरियल को आई कैन राइट एज एन आई लॉग एन आई माइनस एन आई यूजिंग दिस फॉर्मूला. एन को रिप्लेस कर दो एन आई से, तो एन आई लॉग एन आई माइनस एन आई. ठीक है, तो अब इसको वी कैन राइट एज एन लॉग एन माइनस एन. ये टर्म हो गई माइनस समेशन एन आई लॉग एन आई प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया. व्हाट इज समेशन एन आई? एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री अप टू एन के, दैट मींस द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच इज एन, एंड दिस इज कॉन्स्टेंट. सो ये एन जो है कैंसल आउट होगा हमारा इस एन के साथ. समेशन एन आई इज नथिंग बट एन, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स. एन इज इक्वल टू एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री प्लस एन फोर सो ऑन अप टू प्लस NK. I hope ये clear है सबको. How we have written summation Ni as n. ये मैंने basic approach में भी बताया था. देखो, n is equal to summation Ni. So now what we'll get? Now we are getting this expression log W is equal to n log n minus summation Ni log Ni. ठीक है, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई लॉग डब्ल्यू की. नाउ द कॉमन अप्रोच सेज दैट हम ये जो पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट ले रहे हैं, हमारी पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट क्या है, ये एन वन पार्टिकल्स इन द फर्स्ट एनर्जी लेवल, एन टू पार्टिकल्स इन द सेकंड एनर्जी लेवल, सो ऑन एन के पार्टिकल्स इन द केथ एनर्जी लेवल. ये हमारी मैक्रो स्टेट है. इसके करस्पॉन्डिंग हमने थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी निकाल ली दैट व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वेज of arranging total n molecules in this particular macro state such that n1 molecules will be in the compartment or will be in the energy level 1, n2 particles in the energy level 2, nk particles in the energy level k. ठीक है, किस तरीके से हम अरेंज करेंगे या what will be the total number of ways of arranging n particles such that n1 particles falls in the first energy level, n2 particles in the second energy level, so on nk particles in the second in the kth energy level. वो हमने निकाल लिया. अब हम कहते हैं, let's say for this macro state to be the most probable macro state. अगर ये हमारी most probable macro state हो, ठीक है, या इस state को most probable macro state करने के लिए, what we know that the first derivative of thermodynamic probability should be zero. Why? Because thermodynamic probability is maximum for the most probable macro state. ठीक है, तो यहाँ पे हम dw की जगह we'll write d log w equal to zero. तो यहाँ पे हमें log w मिल गया. Now what will be the next step? Differentiate this equation and take the derivative of d log w, take the derivative of log w, that means d log w to be equal to zero to get the maximum probability. ठीक है, हमें क्या करना है, we have to find the equilibrium state of the system. ठीक है, equilibrium state of the system means we have to find the most probable macro state, or we have to find that state of the system where the probability is maximum. तो वो हमें निकालना है. एंड वी नो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ शुड बी इक्वल टू जीरो. सो फॉर प्रोबेबिलिटी टू बी मैक्सिमम द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू जीरो. सो वी हैव टू कीप नाउ द डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग डब्ल्यू इक्वल टू जीरो. ठीक है, जो हम कॉमन अप्रोच यूज कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या था, दैट thermodynamic probability is maximum for the equilibrium state, and for maxima or minima the first derivative should be zero. Or w ki jagah we are considering log w. Why? Since w is very large in number, since we have large number of particles within this dynamic system.
आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है मैंने ये कैसे लिखा है, ठीक है, सिस्टम सबको क्लियर है. देन हमने एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट ली है. तीनों स्टैटिस्टिक्स में हम ये सिस्टम की जो कॉमन ये अप्रोच हम कॉमन रखेंगे, ठीक है. थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी फिर हमने लिखी जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे पहले फॉर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, वो हमने यहाँ पे लिख दिया. मैक्सवेल बोल्ट्जमैन है, पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल है, सो वी कैन डायरेक्टली यूज दिस एक्सप्रेशन जो हमने डिराइव करी थी व्हेन वी हैव स्टडीड द जर्नल एक्सप्रेशन फॉर प्रोबेबिलिटी. तो यहाँ से हमने इसका लॉग लिया एंड to get the maximum probability we can substitute the first derivative to be equal to 0. to ab isko differentiate karo. now n hamara constant hai, log n bhi constant hoga, so iska differentiation kya hoga, 0, because differentiation of a constant is 0 and we have considered that the total number of particles of the system will remain constant, so we'll have to differentiate this equation. माइनस समेशन एज इट इज, फर्स्ट एन आई का डिफरेंशिएशन होगा, दैट विल बी डी एन आई. इसको ठीक करना, दिस इज नॉट डी एक्स आई, दिस इज डी एन आई इंटू लॉग एन आई एज इट इज प्लस एन आई एज इट इज. लॉग एन आई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन अपॉन एन आई डी एन आई. तो ये क्या हो गया, जीरो इक्वल टू समेशन डी एन आई लॉग एन आई माइनस समेशन डी एन आई. यहाँ पे ये डी एन आई नहीं आएगा, ठीक है, ये एन आई इस एन आई से कैंसल आउट हुआ एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है. तो हमने यहाँ माइनस साइन को इंटरचेंज कर दिया, वो हम कर सकते हैं बिकॉज दिस इज इक्वल टू जीरो. माइनस ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, एक ही बात है. तो इस इक्वेशन को आई कैन री राइट एज जीरो इक्वल टू समेशन डी एन आई लॉग एन आई विच इज दिस टर्म माइनस समेशन डी एन आई विच इज दिस टर्म इक्वल टू जीरो. ये हमारे पास इक्वेशन आ गई. नेक्स्ट, एन हमने क्या बोला था, कांस्टेंट है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट मींस समेशन एन आई जो है वो कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो. सो दैट मींस समेशन डी एन आई जो है वो हमारा जीरो है. ये कॉमन अप्रोच में हमने देखो डाला भी था, मैं एक बार दोबारा दिखा देती हूँ. ये रहा इक्वेशन नंबर 42, समेशन डी एन आई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है. तो इस इक्वेशन में वी कैन पुट समेशन डी एन आई टू बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, सिंस नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर कांस्टेंट और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कांस्टेंट. सो व्हाट वी विल गेट नाउ, समेशन डी एन आई लॉग एन आई इक्वल टू जीरो. सो वी हैव रीच्ड to this equation summation dni log ni equal to zero. तो हमारे पास एक ये equation है, एक हमारे पास ये equation है. ये equation हमारे पास कहाँ से आई, from d log w equal to zero. Next क्या है, total energy जो है वो constant है, so u is equal to summation ni ui and that is constant, so इसका differentiation जो है that will be equal to zero. UI हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, तो वी हैव समेशन UI DNI इक्वल टू जीरो. नाउ वी विल अप्लाई द लैग्रैंजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स, दैट इज D log W. इक्वेशन में दिखा देती हूँ, ये इक्वेशन D log W माइनस अल्फा DN माइनस बीटा DU इक्वल टू जीरो, ठीक है. तो हमारा यहाँ पर हम माइनस अल्फा और माइनस बीटा की जगह प्लस अल्फा और प्लस बीटा लेंगे, ठीक है. तो हमारा डीएन क्या है, ये है, ठीक है, डीएन इज इक्वल टू समेशन डीएनआई दैट इज इक्वल टू जीरो. डीयू हमारा कितना है, ये है, ठीक है. सो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद अल्फा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद बीटा, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे फिर विद डी लॉग डब्ल्यू इक्वल टू जीरो. डी लॉग डब्ल्यू इक्वल टू जीरो करके हमारे पास क्या आया, ये. तो इसको हम ऐड करेंगे विद अल्फा ऑफ डी एन एंड बीटा ऑफ डी यू. तो हमारे पास क्या आया, नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2.48 बाय अल्फा एंड 2.51 बाय बीटा एंड ऐड इन इक्वेशन 2.49. सो व्हाट वी विल गेट, अल्फा डीएन हमारा क्या है,
अल्फा समेशन डीएनआई, अल्फा को समेशन के अंदर ले जाओ, समेशन अल्फा डीएनआई, यहाँ पे प्लस आएगा, इसको करेक्ट करो, प्लस बीटा डीयू, ठीक है, डीयू हमारा क्या है, समेशन यू आई डीएनआई, दिस वन, तो बीटा को अंदर ले गए, कॉन्स्टेंट है, तो प्लस समेशन बीटा यू आई डीएनआई प्लस डी लॉग डब्ल्यू से हमारे पास क्या इक्वेशन आई थी, समेशन लॉग एन आई डीएनआई, दिस वन, ठीक है, तो इसको हमने पुट कर दिया इक्वल टू जीरो, वेयर अल्फा एंड बीटा दीज आर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, दे आर स्टिल अननोन, सो वी कैन टेक समेशन कॉमन, सो इन ब्रैकेट्स व्हाट वी विल गेट, अल्फा प्लस बीटा यू आई प्लस लॉग एन आई इंटू डी एन आई इक्वल टू जीरो, वी कैन टेक डी एन आई कॉमन. अब देखो ये पूरी टर्म इक्वल टू जीरो है हमारी, एन आई हमारा क्या है, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द आईथ एनर्जी इंटरवल, सिस्टम हमारा डायनेमिक है तो पार्टिकल्स जो है दे आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग देयर पोजीशंस, दे आर मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी इंटरवल टू द अनदर एनर्जी इंटरवल, दैट मीन्स डी एन आई जो है वो कभी कॉन्स्टेंट नहीं हो सकता, तो दैट मीन्स एन आई जो है हमारा वो कभी कॉन्स्टेंट नहीं हो सकता, एन आई, एन आई हमारा कभी कॉन्स्टेंट नहीं होगा, इसका मतलब डी एन आई जो है हमारा वो जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज डी एन आई जीरो कब होगा, जब एन आई कॉन्स्टेंट होगा, डिफरेंसिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट जो है वो जीरो होता है, बट एन आई जो है हमारा वो चेंज हो रहा है, पार्टिकल्स जो है दे आर इन रेंडम मोशन, ठीक है, सो दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग फ्रॉम दी वन एनर्जी इंटरवल टू दी अनदर एनर्जी इंटरवल, सो डी एन आई जो है वो तो हमारा जीरो होगा नहीं, सिंस एन आई इज नॉट अ कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी, दैट मीन्स क्या जीरो होगा, ये ब्रैकेटेड टर्म, तभी ये जो टोटल टर्म है हमारी जीरो होगी, सो वील सब्स्टिट्यूट लॉग एन आई प्लस एल्फा प्लस बीटा यू आई इक्वल टू जीरो, दिस इक्वेशन कैन बी री रिटन एज लॉग एन आई इक्वल टू माइनस एल्फा माइनस बीटा यू आई, दिस इज नॉट यू वन, दिस इज यू आई, करेक्ट इट, सो आफ्टर टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स व्हाट वी विल गेट, एन आई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एल्फा माइनस बीटा यू आई, और वी कैन राइट एन आई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एल्फा इंटू ई रेज टू पावर माइनस बीटा यू आई, सिंस वी नो ई रेज टू पावर ए प्लस बी is equal to e raised to power a into e raised to power b. Now let e raised to power minus alpha is equal to capital A, which is a constant quantity. So we can write ni is equal to a e raised to power minus beta ui. So this is the final equation, which is known as the Maxwell-Boltzmann distribution law or the Boltzmann's distribution law. And this is the very important equation. तो ये इक्वेशन हमें क्या दे रही है, दिस इज गिविंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ईच सेल एज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैट सेल, इसका मतलब क्या है, देखो ए हमारा कांस्टेंट है इक्वल टू ई रेस्ट पर माइनस अल्फा, बी हमारा कांस्टेंट है, तो ये क्या बता रहा है, एन आई नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सेल or the energy level having the energy ui, ठीक है, ये बता रहा है, suppose मेरे पास ये different energy levels हैं, या different cells हैं, इस particular cell में energy u1 है, इस particular में uk है, किसी intermediate में let's say ui है, ठीक है, तो इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन आई एज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैट सेल और इन दैट एनर्जी लेवल यू आई. देखो ये हमारा क्या दिखा रहा है, ये हमारा प्लॉट है बिटवीन एन आई एंड यू आई, एक्सपोनेंशियल है ना, नेगेटिव है, इसका मतलब Ni जो है इट इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली एज वी इंक्रीज यू आई, और जब यू आई हमारा इंफिनिटी होगा, ई रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है, जीरो, दैट मीन्स एन आई इज अप्रोचिंग जीरो एज यू आई टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, इसका मतलब क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो समझने की जरूरत है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है दैट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेल डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद यू आई, इसका मतलब क्या है, अब हम इसको ध्यान से सुनना, ठीक है, अब मैं सारा समराइज कर रही हूँ,
जब हम यूनिट वन में पढ़ते थे पहले, तो हम जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कम लेते थे, हम कहते थे लाइक हाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टिकल्स इन टू सेल्स. एक बॉक्स है उसको हमने डिवाइड कर दिया दो सेल में, तो व्हाट विल बी द डिफरेंट नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग टू और लेट्स से थ्री और लेट्स से फोर पार्टिकल्स इन दीज टू सेल्स. ठीक है, तो हम क्या लिखते थे, वी रोट डिफरेंट मैक्रो स्टेट्स एंड द डिफरेंट माइक्रो स्टेट्स इन दैट पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट. ठीक है, कि हर एक सेल में कितने पार्टिकल्स जो है वो ऑक्यूपाई हो सकते हैं. ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास एक फेस स्पेस है. फेस स्पेस हमारा क्या है, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स. हर एक कंपार्टमेंट को जो है वी आर डिवाइडिंग इनटू लार्ज नंबर ऑफ सेल्स. इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में हमने क्या कंसीडर किया है कि जो फेस स्पेस है उसको हमने डिवाइड कर दिया इनटू लार्ज नंबर ऑफ सेल्स और लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी इंटरवल्स. ठीक है, हमने यहाँ पे उन पर्टिक हमने ऐसे नहीं किया कि फेस स्पेस जो है उनको हमने डिवाइड किया लार्ज नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स में और फिर उन कंपार्टमेंट्स को हमने डिवाइड किया लार्ज नंबर ऑफ सेल्स में. यहाँ सिंपली हमारा जो ये फेस स्पेस है उसको हमने डिवाइड कर दिया इनटू लार्ज नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स. ठीक है, और यू कैन से लार्ज नंबर ऑफ सेल्स में. कितने सेल्स है, के सेल्स है. ठीक है, इस सेल में एनर्जी कितनी है पार्टिकल के होने की, यू वन. इस सेल में यू टू है. Let's say इस kth सेल में यू के है. ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस सेल में एन वन है, इसमें एन टू है, k में एन के है. ठीक है, इसको हम एनर्जी लेवल के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं समझने के लिए, कि ये जो हमारा यू वन सेल है ना, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एज फर्स्ट एनर्जी लेवल हैविंग द एनर्जी यू वन. फिर वी हैव नेक्स्ट एनर्जी लेवल हैविंग एनर्जी यू टू. ठीक है, एंड सो ऑन, वी हैव kth एनर्जी लेवल हैविंग एनर्जी यू के. नेक्स्ट, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है, जैसे जैसे हम इन एनर्जी लेवल्स में डालेंगे, जैसे जैसे हमारे एनर्जी लेवल बढ़ते जाएंगे, दैट मीन्स हम यू के की तरफ जाएंगे, तो हमारा जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इन दिस kth एनर्जी लेवल जो है, इट विल टेंड टू जीरो एज ui tends to infinity, ni tends to zero. इसका मतलब क्या है, हायर एनर्जी लेवल पे पार्टिकल्स के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है और लोअर एनर्जी लेवल पे पार्टिकल के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है. और ये हमें भी पता है कि कोई भी सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में कब होगा, या जो हमारा स्टेट है वो स्टेबल स्टेट में कब होगा कोई भी सिस्टम. हम सपोज हम एटम की ही अगर बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास न्यूक्लियस है एंड वी हैव इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल कब होते हैं, व्हेन दे ऑक्यूपाई द लोवेस्ट, व्हेन दे ऑक्यूपाई द लोअर एनर्जी लेवल्स. ठीक है, अपने ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल्स पे जब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो वो स्टेबल होते हैं. एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स पे जब वो जंप करते हैं दे बिकम अनस्टेबल. ठीक है, देन आफ्टर लूजिंग द एक्स्ट्रा एनर्जी दे अगेन कम टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल टू बी स्टेबल. ये हमारा फिनोमेना होता है ना. तो यहाँ पर भी यही है कि हायर एनर्जी लेवल्स पे पार्टिकल्स जो है उनके प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है, और लोवेस्ट एनर्जी स्टेट पे जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनके प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है. सो वी कैन से दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेल डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद यू आई, और यू कैन से दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है दे डिक्रीज एज द एनर्जी increases. ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि जैसे जैसे we are going from the lower energy level to the higher energy level, ni जो है it is decreasing, and as ui tends to infinity, ni tends to zero. ठीक है, and so this is Maxwell-Boltzmann distribution law, which is simply giving the number of molecules in each cell, that is ni, as a function of energy of molecules in that cell, that is ui. ni hamara kya hai, number of molecules in the ith cell or the ith energy level. ni is the number of molecules in the ith cell or the ith energy level, aur isko humne yahan pe obtain kiya as a function of ui, that means as a function of energy of ni molecules in that cell or in the ith cell. ठीक है, so this is simply representing the number of molecules in each cell
as a function of energy of molecules in that cell. UI क्या है? UI हमारा है energy of the molecule in the ith cell. That means energy of molecule in that cell. जो भी हम cell consider कर रहे हैं, I can be 1, 2, 3, so on up to K. And from this plot, we can say that as UI tends to infinity, NI tends to zero. That means the number of molecules per cell decreases exponentially with UI. ठीक है? So this is about Maxwell-Boltzmann distribution law. अभी भी हमें यहाँ पर क्या नहीं पता, A is unknown to us, beta is unknown to us. So in the next class, we'll find the values of these constants A and beta. तो जब हम A और beta की value निकाल लेंगे, then we can say that हमारे पास final expression आ गई Maxwell-Boltzmann distribution law की. उसमें हम substitute कर सकते हैं A और beta की value and we'll get the final expression. और beta हम देखेंगे, it will come out to be 1 upon kT, where K is the Boltzmann constant and T is the temperature. So that we'll do in the next class. So in the next class, we'll finish the first part of unit 2. And then we'll start with the second part of unit 2. In the second part of unit 2, we'll start with the another statistic, which is the Bose-Einstein statistics. And in the third unit, we'll study the last statistic, which is the Fermi-Dirac statistics. ठीक है, तो आज हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देखा. नेक्स्ट क्लास में हम ए और बीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड करें.